इक्वेशन ऑफ क्वांटिनिटी, इक्वेशन ऑफ क्वांटिनिटी है कि अगर आपके पास एक पाइप है और पाइप में लिक्विड मूव कर रहा है, पाइप का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया एक तरफ से वो ए वन है और वेलोसिटी एंट्री की लिक्विड की क्या है वी वन है, और पाइप बाहर से लिक्विड बाहर निकल रहा है तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है ए टू है और वेलोसिटी क्या है वी टू है। ठीक, तो इक्वेशन ऑफ क्वांटिनिटी ये कहती है कि वॉल्यूम एंटरिंग इन अ पाइप पर सेकेंड इज इक्वल टू वॉल्यूम कमिंग आउट ऑफ द पाइप पर सेकेंड की वैल्यू सेम रहेगी। तो इंपॉर्टेंट है कि एक सेकेंड में कितना लिक्विड एंटर करेगा, एक सेकेंड में कितना लिक्विड बाहर निकलेगा, उसकी वैल्यू एग्जैक्टली सेम है। तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर सेकेंड का फॉर्मूला हमने कई बार किया, एरिया इंटू वेलोसिटी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू वेलोसिटी क्या है, वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड है। तो इसका मतलब कि एक सेकेंड में कितना लिक्विड एंटर कर रहा है, ए वन वी वन, एरिया इंटू वेलोसिटी, फर्स्ट ए वाले पोर्शन की लेफ्ट साइड पोर्शन क्या आ गई ए वन वी वन, और राइट साइड पे क्या आ गई ए टू वी टू, तो ए वन वी वन इज इक्वल टू ए टू वी टू। तो वॉल्यूम एंटरिंग पर सेकेंड, वॉल्यूम कमिंग आउट पर सेकेंड की वैल्यू एग्जैक्टली सेम है। या ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर आप इसे डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दें तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी क्या होता है मास, तो क्या आ गया मास एंटरिंग पर सेकेंड, मास कमिंग आउट पर सेकेंड की वैल्यू एग्जैक्टली सेम है। तो मास की वैल्यू जो एंटर कर रही है एक सेकेंड में, मास की वैल्यू जो बाहर निकल रही है पर सेकेंड में, उसकी वैल्यू एग्जैक्टली सेम है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ए वन वी वन इज इक्वल टू ए टू वी टू। इस इक्वेशन की कुछ अजम्पशंस भी हैं, वैसे बता दूं जब ये इक्वेशन लगती हैं इसमें हम निग्लेक्ट करते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, लिक्विड की विस्कोसिटी इसमें मैटर नहीं कर रही, ईटा इसमें नेग्लिजिबल लेते हैं, यानी कि ये जो लिक्विड जिसके ऊपर ये इक्वेशन वैलिड है ये नॉन विस्कस लिक्विड है, ये विस्कस नहीं है, ये नॉन विस्कस लिक्विड है, वाटर के ऊपर वैलिड है, पॉइंट नंबर वन है। पॉइंट नंबर टू, फ्रिक्शनल फोर्सेस हम नहीं लेते और इसके अंदर जो लिक्विड है उसकी कंप्रेसिबिलिटी भी नहीं लेते, ऐसा ना हो कि वो लिक्विड रास्ते में कंप्रेस हो जाए, जैसे शहद है, शहद डाल दिया और इक्वेशन क्वांटिटी लगाओगे नहीं लगेगी, क्योंकि शहद कंप्रेसिबल है, वो उसमें विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा हाई है। तो ये इक्वेशन नॉन विस्कस लिक्विड पे लगती है, विस्कस लिक्विड पे लगती नहीं है, क्योंकि शहद डालोगे तो वो बूंद बूंद करके निकलेगा, उसकी वेलोसिटी तो क्या ही निकाल लोगे आप। ठीक है यहाँ तक, तो ये इसकी अजम्पशंस हैं।